हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एमबीएस एस फैशन ट्यूटोरियल्स आज हम ड्राफ्टिंग ऑफ कोट करेंगे अगेन जिसके लिए हमें कुछ बेसिक मेजरमेंट चाहिए सो so, सबसे पहला मेजरमेंट है जो टोटल लेंथ है पेटिकोट की विच इज़ फोर्टी इंचेस इन केस राउंड हिप मेजरमेंट चाहिए उसके बाद जो कि छत्तीस इंच है डाट की लेंथ हमने पाँच इंच की रखनी है और डाट इनटेक एक इंच का रखना है देन एसपर द डायग्राम जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे हमने ए से बी इज़ यू टू सी टू डी जो कि टोटल लेंथ है पेटी कोट की उसमें से दो इंच हम माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए उसके बाद ए टू डी इज़ यू टू बी टू सी जिसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला राउंड हिप में से चार इंच माइनस करेंगे उसको हम दो से डिवाइड कर देंगे विच विल कम आउट टू बी सिक्सटीन इंचेज़ देन ए टू सी ए डैश एंड सी टू सी डैश हम हाफ इंच ऊपर एंड ई डैश एफ एंड एफ डैश ईज इक्वालन टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव इंचज़ सो ये सारे बेसिक मेजरमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे अपने फाइनल ड्राफ्टिंग बनाने के लिए नाउ मूविंग टू वर्ड्स द ड्राफ्टिंग सबसे पहले हमने एक ब्लॉक बनाना है इस तरह से जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें हम मार्किंग करेंगे ए बी सी एंड डी सच दैट जो ए बी है हमारा दैट इज़ द टोटल लेंथ जो हमने कैलकुलेट करा है जो टोटल लेंथ था पेटी कोट का उसमें से दो इंच माइनस करके विच विल कम आउट टू बी थर्टी एट इंचज सो ये हमारा ए टू बी है और सी टू डी सेम है सेकेंडली वी हैव टू गो फ्राम ए टू डी ये जो लेंथ uh, होएगी ये हमने कैसे कैलकुलेट करी है दिस इज़ राउंड हिप मेजरमेंट माइनस फोर इंचज डिवाइडेड बाई टू ये कैलकुलेट करके हमारा छत्तीस में से चार गया डिवाइड बाय टू दैट विल कम आउट टू बी 16 इंचेस है ना इट कुड वेरी अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट सो सिमिलर विल बी ए टू डी इज इक्वी टू बी टू सी सो सिमिलर विल बी द बी टू सी मेजरमेंट एंड देन ये ब्लॉक हमें मिल जाएगा द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज हम ए से आगे जाएंगे टू द पॉइंट ए डैश

जो हाफ इंच है वो हमने सीम अलाउंस रखा है एंड जो वन एंड हाफ इंच है वो डार्ट इनटेक टेक है जो कैलकुलेट करके आएगा सिक्स इंचेस सो सिक्स इंचेस ऊपर एंड सिक्स इंचेस नीचे हमने ए टू ई एंड सी टू एफ ले लिया देन वी हैव टू जॉइन ई एंड एफ विद अ स्ट्रेट लाइन ई और एफ को फिर हम एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे जस्ट लेट मी डू इट विल जस्ट एडजस्ट इट एंड फाइनली

ए डैश और ई e को हमने एक कर्व लाइन से जॉइन करना है और सिमिलरली सी एंड एफ डैश को हम सी एंड एफ़ को हमने कर्व लाइन से जॉइन करना है इन दोनों को जब हम कर्व लाइन से जॉइन कर देंगे उसके बाद द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज़ हमने पॉइंट ई e से नीचे आएंगे टू द पॉइंट ई डैश अगेन हाफ इंचज हाफ इंचज़ हम नीचे आ जाएंगे एंड सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट एफ विल गो अप बाय हाफ इंचज एंड विल गेट द पॉइंट एफ डैश सो ये दो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे उसके बाद हमने ई e डैश और डी को एक कर्ब लाइन से ज्वाइन करना है एंड बी एंड एफ डैश को कर्ब लाइन से जॉइन करना है ना नेक्स्ट हमने डार्ट बनाना है जिसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मिड पॉइंट लेंगे ऑन द लाइन ए डैश एंड ई और उस मिड पॉइंट से हमने एक पपेंडिकुलर ड्रॉप करना है फाइव इंचेस का और एक डार्ट बनाएंगे जिसका टोटल वर्थ एक इंच है यानी आधा आधा इंच दोनों तरफ ले लेंगे और हमने डार्ट लेग को ड्रॉ कर देंगे टोटल एक इंच है आधा इंच इस तरफ आधा इंच दूसरी तरफ सिमिलरली जो बॉटम लाइन है सी डैश और एफ़ का उसके ऊपर भी हमने एक डार्ट बनाना है पाँच इंच का डार्ट होएगा और जो डार्ट इनटेक है अगेन वो टोटल वन इंच की है हाफ इंच ऑन बोथ द साइड्स इस तरह से हमारा डार्ट बन जाएगा यस सो दिस इज ऑलमोस्ट रेडी नेक्स्ट वी जस्ट हैव टू मार्क द ग्रीन लाइन एंड ऑन फोल्ड लाइन सो ये फर्स्ट पैटर्न जो है ये हमारा ऑन फोल्ड है एंड ऑन ग्रीन ये हमारा सेंटर पैनल है क्योंकि ये ऑन फोल्ड है इसके दो पीसेस कट होंगे सो य मार्क दैट एंड सेकेंडली जो ये है हमारा साइड पैनल इसके टोटल चार पीसेस कट होंगे सो टोटल सिक्स पीसेस का हमारा पेटीकोट बनेगा सो so फाइनली जो हमारी कटिंग होएगी द मेन पीसेस विल बी दिस फ्रॉम ए डैश ई एफ डैश टिल बी And then again back to A dash. This is our one piece, and then the second piece is this one D, E dash, F dash, and C dash. So, this is our second piece. So, this is the final drafting ready.